एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, वेडिंग सीजन चल रहा है। वेडिंग पर्पज से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अनारकली गाउन और कुर्तीज। तो गाइस, जितने भी अनारकली गाउन और कुर्तीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कलर कॉम्बिनेशन मैंने वेडिंग पर्पज के अकॉर्डिंग ही चूज़ की हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये कुर्तियाँ हैं, अनारकली गाउन है, और अगर आप इन्हें वेडिंग सीजन में वियर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा आपको। और एंड में मैं आपको इन्हें वियर करके भी बताऊंगी कि वियर करने के बाद आपको इनसे कैसा लुक मिलेगा। तो गाइज, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और जितने भी अनारकली गाउन और कुर्तीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, पास में बेल आइकन उसे डन कर देना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जितने भी ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सब है मिंत्रा से। तो गाइज, फर्स्ट जो ब्रांड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अहिल्या ब्रांड से। ये है अलाइन कुर्ता, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा अलाइन कुर्ता आपको पिंक कलर के फ्लावर प्रिंट कॉम्बिनेशन में ये आपको मिलेगा। प्लस इसमें जो ग्लिटर से जो लेस लगाई हुई है बहुत ही अच्छा लुक दे रही है इस अलाइन कुर्ते को। एंड गाइज, ये आपको मिलेगा पिंक कलर में, प्लस इसमें आपको अटैच दुपट्टा मिलेगा। अलग से आपको दुपट्टा इसमें वियर करने की नीड नहीं होगी। तो गाइज, इसकी लेंथ भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, फुल लेंथ में आपको ये गाउन मिलेगी, बहुत ही अच्छी लेंथ है। तो गाइज, सबसे अच्छी बात हैंड वॉशेबल है, बजट के अंदर है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। आपको ये वेडिंग पर्पज़ से अगर आप वियर करेंगे बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा। मटेरियल है सिल्क इसका। तो गाइज, चलिए वियर करके बताते हो कैसी लगती है वियर करने पर। Flipping pages since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. तो गाइस, नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा अनारकली कुर्ता प्लस दुपट्टा, एंड ये भी है ब्रांड अहिल्या से, और ये भी बहुत ही प्यारा है वेडिंग पर्पज से अगर आप इसे वियर करना चाहें। स्लीव्स पे आपको इस तरीके का इसमें आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, 3/4 स्लीव्स आपको इसके अंदर मिलेगी, प्लस इसमें आपको मिलेगी राउंड नेक। पूरा कुर्ता आपको इसमें प्लेन मिलेगा, बस नीचे आपको इस तरीके का इसमें गोल्डन बॉर्डर दिया हुआ है जिसमें बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है कुर्ते को। तो गाइस, अब बात करते हैं दुपट्टे की। दुपट्टा इस कुर्ते को बहुत ही यूनिक बनाता है क्योंकि दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत सा दिया हुआ है इन्होंने। व्हाइट कलर का आपको इसमें प्लेन दुपट्टा मिलेगा, दोनों साइड आपको इसमें रेड कलर के बॉर्डर्स मिलेंगे जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे होंगे। पूरे दुपट्टे पे आपको इस तरीके के बॉर्डर दिए हुए हैं, प्लस गोल्डन जो प्रिंट किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा। That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. तो
गाइस जो नेक्स्ट अनारकली गाउन शेयर करूंगी वो भी है ब्रांड अहिल्या से, और ये बहुत ही खूबसूरत सी सिंपल सी अनारकली गाउन है, सिल्क में आपको ये मिलेगी। प्लस इसका जो मेन पार्ट है वो है इसकी नेक, जो इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। इसमें है प्रिंट किया हुआ है पूरे में नेक पे, जो कि बहुत ही अच्छी डिटेल्स दी हुई है, एंड इसमें आपको 3/4 स्लीव मिल जाएगी। मटेरियल की हम बात करते हैं, मटेरियल आपको इसमें मिलेगा सिल्क, बहुत ही सुंदर सी ब्लैक अनारकली गाउन है, सिंपल है पर बहुत ही एलिगेंट है ये। और पूरे अनारकली गाउन में आपको अंदर लाइनिंग मिल जाएगी रॉ सिल्क की, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाती है अनारकली गाउन को। That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. I'm never gone, no regret. The hours I've been putting in, so take a chance on faith. You're my Ballers, please take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance.